हे फैमिली, वेलकम बैक। तो अभी दोपहर का टाइम है और हम लोग का लंच हो चुका है। बस मेरे हस्बैंड अभी लंच कर ही रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, हम लोग का जो फूल का पौधा था ना, डलिया वगैरह, ये सबको हम लोग हटा दिए क्योंकि यहाँ पर दूसरा फूल का पौधा लगाएंगे। और मौसम आज इतना अच्छा हुआ है तो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि अभी आद्या जैसे सो गई है, हम लोग अभी जाएंगे, देखते हैं कहाँ से लेके आएंगे। पर घर से निकलने का तय है कि अभी हम लोग जाएंगे और कुछ फूल का पौधा लेके आएंगे, क्योंकि उसके बाद फिर और धूप रहेगा। अभी 2-3 बारिश का चांस है तो लेके आते हैं, फिर हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। तो फिर इस टाइम जो है नहीं हो पाएगा। और ये एक ही गेंदा बस जो बचा हुआ है, तो इसको हम अभी निकलते हैं। रेडी हो गए, बस जा रहे हैं अपना घर का सजाने का फिर से कुछ जुगाड़। माँ आद्या को रखेगी बोल रही है, इसीलिए हम लोग छोड़ के जा रहे हैं कि माँ आज संभाल पाएगी। अगर तो इस बार मैं छोड़ के जाऊंगी आद्या को माँ के पास। आज माँ पर है आराम रहिए, भात तात सब खावा सीख लियो। हमार मातर कैसे दाणे के रुवल से दादी भात बाटी चले गए छे, जाम के कमाई तक। हां, अपन खुआन बोली अपन गुडा खुजी। हां दादी, तो चलिए, काफ़ी टाइम बाद इनके साथ अकेले घूमने जा रही हूँ। की कहले माँ? ओ, तुम्हारे हेलमेट पूछन माँ। काफ़ी टाइम बाद इनके साथ अकेले घूमने जाऊँगी। फूल का पौधा आए ना आए, घूम के आना जरूरी। और घर में होने से ना, मेरी बड़ी बेटी भी जब छोटी थी, हम लोग ऐसे ही जाते थे कि उसको तो छोड़ के हम लोग निश्चिंत होके जाते थे, क्योंकि वो रह जाती थी माँ बाबा के पास पूरा। पर ये उठने के बाद थोड़ा तांडव करती है, रोना शुरू कर देती है, इसलिए डर लग रहा है। फिर भी माँ बाबा हैं तो निश्चिंत, फिर भी मन में थोड़ा सा रोएगी 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 टाइप का सोच के जा रहे हैं। चलिए, बहुत दिन बाद अकेले घूमने जाएंगे ना हम लोग। चलिए चलिए, अभी हम लोग इस जगह पे आके पहुंच गए हैं जहाँ एक बार मेरे हस्बैंड और मैं रुके हुए थे। वहाँ पर एक मिट्टी का झोपड़ी था, बारिश झमाझम बाहर चल रहा था और तकलीफदायक रोमांटिक टाइम था। क्या बोलूँगी, मेरा एग्जाम एक्चुअली चल रहा था, उसी के चक्कर में हम लोग घर से जा रहे थे। और जहाँ हम लोग जा रहे हैं आज ना, वहाँ पर मैं पीजी की हूँ तो एग्ज़ाम के लिए निकले हुए थे और बारिश इतना तेज़ हुआ कि मैं एग्ज़ाम सेंटर करीबन 35 मिनट से ज़्यादा लेट पहुँची। बहुत ज़्यादा मैं रोई थी, रास्ता भर रोते हुए गई थी कि मैं इतना ज़्यादा लेट हो गई। फिर भी मेरा एग्ज़ाम जो है ना बहुत बढ़िया गया था, मेरा बहुत अच्छा परसेंटेज आया था। तो देखिए, मैंने मैनेज कर लिया टाइम। और ये है रूंगटा माइंस, आप लोग मुझे कमेंट में बताओ रूंगटा माइंस कहाँ पर है, क्योंकि अभी तो सिर्फ इसी जगह में फेमस नहीं है, हर जगह फेमस हो गया है। तो बस मैं आप लोग को बता दूंगी हम लोग कहाँ पहुँच जा रहे हैं अभी। तो टाटा या चाय वसा आप लोग कमेंट करके बताना। क्यों बोल कर लो रो, तो हमारा गमला तो अच्छी এন্ডরা কি ভালো গাছে তে ক্যাপসিকাম নাই তাহলে কি গাছ এই যে বাড়ি লম্বা ও ছোট লঙ্কাটা তো আমারও কাছে আছে। আচ্ছা, এন্ড মালদা কাঁচা ল্যাংড়া না, ল্যাংড়া নেই, ল্যাংড়া আমার আছে। এটা তুই বলছো আলফানসো, আমি তোর কথাই ট্রাই নিব। ফুটুস দুনিয়া মে সব বিকতা হে, দুনিয়া মে সব বিকতা হি, বস বিকনে কা ये होना चाहिए। ये फुटूस फूल है, फुटूस फूल, एगुला गरम दिन है फूल है, एक गरम सीजन ना। हां, हम तो अच्छी से ये पिंक टा और सेटा আছে, এইটা একটা নিব। কোনটা? এগুলা ছোট গুলো, এই হোয়াইটটা। আকে हम लोग पहुंच गए हैं चायबसा का, क्या बोलते हैं इसको, नर्सरी में। तो यहां से फूल लेके जाएंगे, अल्फांसो वाला मैंगो का प्लांट लेके जाएंगे क्योंकि इनको बहुत शौक है। आम फलना चाहिए, आम आम अल्फांसो। ये आ गया फला हुआ पौधा। आपेल डा, आपेल डा फूल एमती हुए। बस फाइनल हो गया, यही सब जा रहा है। ये है अल्फांसो मैंगो, दो तरह का आम जा रहा है। ये एक आम है और एक कहाँ गया, ये एक आम है। इसमें भी नेक्स्ट ईयर फल आएगा। ये अमरूद है मुबोसबी गोड़ी। Okay.
आके जस्ट घर पहुँचे और पाँव सब ना एकदम टेढ़ा नहीं हो रहा है, पूरा हालत ख़राब हो गया। बस 35 किलोमीटर जैसे होगा हम लोग के घर से, तो बस अभी ये सबको लगाने का बारी। अब मैं खुश हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरे घर में और बच्चे आ गए जिस टाइप का, और मेरे खुशी के लिए बोले तुम्हारा खुशी के लिए बस मैं जा रहा हूँ पौधा लाने के लिए। और हम लोग जो है बाबा का और परेशानी बढ़ा देंगे, क्योंकि हम लोग तो लगा के चल जाएंगे, बाबा ही परेशान होंगे और सब में पानी डालना, फिर बोलेंगे तुम लोग आते हो हर बार कुछ ना कुछ पौधा ला के। कि तेज कर संक्रांति रे अपन अल्फांसो आंबरे पूजा करबे कि आंब कोनाटा अल्फ। हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो है, और कल जो हम लोग पौधा लाए थे उसको आज अपना जगह देने का टाइम है। तो बस सुबह सुबह पतिदेव ना घर जब से आए हैं इतना जल्दी कभी नहीं उठे हैं, आज जब इनका बच्चा को जमीन जायदाद बंटवारा करने की बारी आ गई है तो उठकर रेडी हो गए, यानी मेरे पौधों को अपना अपना जगह देने। पुई को बेटा, पुई पुई हो, पुई आगे पु हो, पुई इटा पुई इधर नहीं जो मसलो भाई। हेलो साफ सफाई भी हो गया, साथ में जितने भी फल के पौधे थे ना सब कुछ लगा लिए, बस फूल के जो पौधे हैं ना वो अभी नहीं लगेगा क्योंकि काफ़ी धूप हो गया। 8 बजते इतना तेज़ धूप हो जाता ना हमारे यहाँ, क्योंकि खाली जगह है, चारों ओर से धूप पड़ती है, तो और कुछ काम नहीं हो पाया। वो जो भैया आए हुए थे वो निकल गए, और हमारे यहाँ अभी आज ब्रेकफास्ट में सैंडविच बनेगा, वो भी मैं नहीं मेरी बेटी बनाई। तो आप लोग बोलोगे मैं क्या कर रही हूँ, मैं बस मसाला रेडी कर रही हूँ क्योंकि उसमें तेल का छींटा लगता है। तो बोली मामा मुझे करने दो, मैं बोली बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं मसाला रेडी कर रही हूँ, बस सेकने का काम तुम करो। तो थोड़ा सा बस कम से कम चेंज करने में, पलटी करने में ना तोड़ दी, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख ही जाएगी। और देखिए चाय में मैं रेडी की थी उसका दादाजी को देखे, और ये है क्या बोलूँगी 4:30-5 बजे का टाइम हो रहा था, तो उसके पापा थोड़ा सा गए हुए थे बाहर, तो हमने सबके लिए आइसक्रीम लेके आए थे। और आदिया को देखिए आजकल पूरा आइसक्रीम बोलते, उसका डिमांड है, सो के उठी बोली क्या खाना है तुमको, पूछे जैसे ना बोलते आइसक्रीम। तो उसकी दीदी फ़ोन लगाई उसके पापा को, तो आइसक्रीम लेके आए थे और हम सबको ही खाई, मज़े लिए उसका। और बाकी दिखाती हूँ फूल का पौधा भी कहाँ कैसा लग गया, आप लोग भी देख लो एक बार। तो ये देखिए भैया फिर से आ गए हैं शाम को, क्योंकि धूप की वजह से उनको भेज देते हैं हम लोग घर। और ये देखिए थोड़ा थोड़ा क्या बोलते हैं हम लोग गोबर जो कहते हैं, उसके साथ अगर पौधा लगाते हैं ना तो उसमें जो पौधे होते हैं वो बहुत ही हृष्ट पृष्ट होते हैं। ये देखिए एक समी का पौधा है, जो कि कोई आए थे हम लोग के घर में बाबा जी, वो बोले थे तो बस उसको एक लगा दे रहे हैं। ये तुलसी पौधा के अगल बगल रख सकते हैं। ये देखिए कितना ध्यान से है ना, जो खुद का मेहनत का हो सब कुछ वो अच्छा ही लगता है। ये देखिए पानी पूरा पटा रहे हैं, क्योंकि हम लोग का नया मिट्टी डाला गया है ना, तो जिस वजह से मिट्टी काफ़ी सूख रहा है। और ये तो मुझे हमेशा से ही पसंद है, मैं बोली इस तरफ का पानी डालना जो है मुझे करने दीजिए, मैं थोड़ा सा इसको कर लेती हूँ, मुझे भी तो अच्छा लगे कि मैं अपने बच्चों का ख्याल रख रही हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।